डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो कि अगेन स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था स्पेशली फॉर अ स्पेशल पर्पज, ऐसे ही टी फ्लिप फ्लॉप भी, टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी डिजाइन किया हुआ है। तो फटाफट से इसके ब्लॉक डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो कैसे आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट में मेरे पास यहाँ पे क्या चला गया, टी चला गया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करनी है, क्लॉक, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर कब होगा, एक्शन में कब आएगा, जब हम उसको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। और आउटपुट में मेरे पास वही क्यू एंड क्यू का प, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो सिंपल जो है ब्लॉक डायग्राम हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब देखो, टी फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं जीरो, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप में अगर हम वैल्यू देते हैं जीरो, तब ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। मतलब जो प्रेजेंट में आउटपुट है वही आपकी एज इट इज आती है, और अगर हम वैल्यू देते हैं वन तो ये क्या कर देता है, प्रेजेंट, मतलब अगर हम जीरो करते हैं तो क्यू एन का क्यू एन ही रहता है, मतलब प्रेजेंट आउटपुट जो भी है वही आपकी नेक्स्ट आउटपुट में शो करेगा। लेकिन अगर हम वैल्यू दे देते हैं वन, तो वन के केस में क्या करेगा, ये जो भी प्रेजेंट में आउटपुट है उसका बार कर देगा, उसका टॉगल कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो हमारे पास एक तो टी हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, क्यू एन, दैट इज प्रेजेंट आउटपुट, जो अभी भी ऑलरेडी है हमारे पास, और हमें उनके बेसिस पे निकालनी है नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। तो यहां पे मेरे पास दो इनपुट्स है एक तरह से, 0001 1011। तो यहां पे हमें निकालना है कि नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या आएगी। तो देखो, मैंने क्या बोला कि जब हमें टी की वैल्यू 00 देनी है तो ये एक तरह से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्शन मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आउटपुट अभी ऑलरेडी ये होल्ड करके बैठा है वही दिखाएगा। मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो 0 थी तो ये 0, 1 थी तो 1 ही एज इट इज दिखा देगा। एक्शन टॉगल ये कब करेगा, जब यहां पे टी की वैल्यू 1, तो टॉगल का मतलब जैसे ही हमने 1 किया तो पहले क्या थी, आउटपुट 0 थी, उसको टॉगल कर दिया 1 में, 1 थी तो उसको टॉगल कर दिया 0 में। बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये टॉगल वाला, आगे काउंटर्स में बहुत अच्छे से बहुत बार यूज होगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखना। तो ये हो गया आपका टॉगल। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तो बड़ा इजी है, कोई आपको झंझट करने की जरूरत ही नहीं। आपको यहां पे पता है कि मेरी इनपुट 00 के केस में 0, 11 के केस में 0, लेकिन जब मेरी वैल्यू जो है वो 01 या 10 है तब क्या दे रहा है, 11 दे रहा है। तो आपको अगर ध्यान से रिलेट करो ये किसका ट्रुथ टेबल होता है, कौन से गेट का होता है, XOR का। XOR में ऐसे ही होता है ना, XOR में 0110 इसी तरीके से आती है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि QN plus 1 यहां पे क्या आएगा, T XOR QN, मतलब T और QN का जब हम XOR करते हैं तो दैट इज द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ QN plus 1, ठीक है। तो ये आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से। फाइनली अगर हम बात करें इसके एक्साइटेशन टेबल की, तो देखो QN है हमारे पास, QN plus 1 है, ठीक है, और मेरी T। अब देखो 0001 1011, अब हम चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंट में आउटपुट 0 है और वो एक्साइट होके 0 ही रहे। एक तरह से आप चाहे ऐसे फाइंड आउट कर लो, या सिंपल सी बात है जैसे हमने पहले किया है कि मेरी वैल्यू जो है वो 00, QN और QN plus 1 की वैल्यू क्या है, 00। तो देखो यहां पे QN और QN plus 1 की वैल्यू 00 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग T की वैल्यू क्या है, 0, तो एज इट इज लिख दो। QN और QN plus 1 की वैल्यू क्या है, 01, तो 01 कहां पे है, ये रहा, तो QN और QN plus 1 की वैल्यू 01 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग T की वैल्यू क्या है, 1, तो लो जी 1 लिख दिया यहां पे। 10 के केस में, 10 के केस में T की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिख दिया जी, और 11 के केस में T की वैल्यू क्या है, 0, तो लो जी 0 लिख दिया। लो एज इट इज आपका यहां पे 0110, ये एज इट इज, मतलब जो हमने यहां पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात की थी, एक्साइटेशन टेबल, सारे के सारे आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। थैंक यू।